है, ये देखिए ये कितने अच्छे से बने हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आने जा रहे हैं गोलगप्पे। इसके लिए मैं ली हूँ ये सूजी रवा हाफ के जी। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी मैदा, इसी कटोरी से डालूंगी मैं एक कटोरी गेहूं का आटा, मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को भिगा लेंगे। इसका एक डो बना लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। इस तरह से हम इसका डो बना लेंगे गोलगप्पों का, और इसे आधे घंटे तक ढाप के रख देंगे कवर करके। इस तरह से हमने गोलगप्पों का डो बना लिया है, अब हम इसे आधे घंटे तक कवर करके रख देंगे ढाप के। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम डो को इस तरह से एक बड़ा पेड़ा ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसे रोटी की तरह हमें बेलना है इसे। हम इसे बेलने से पहले रोटी को इस तरह से ऑयल लगा देंगे, फिर हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे हम पतली बेलेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इस तरह से बेल लिया है इसे। ये देखिए इतनी है, इतनी पतली है ये। अब हम इसे एक कटोरी लेके इस तरह से कट करते जाएंगे। प्रेस करेंगे। अगर आपको छोटे साइज के गोलगप्पे चाहिए तो आप छोटी कटोरी इस्तेमाल कीजिए। अब हम इस तरह से इसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे गोलगप्पे जो हमने बेल लिए निकाल देंगे। गोलगप्पों को फ्राई करने के लिए मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ, फिर इसमें मैं तेल डाल दी हूँ। ये तेल गर्म हो रहा है, इसे अच्छे से तेल को गर्म करना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम गोलगप्पों को फ्राई करेंगे। देखिए हमारे गोलगप्पे किस तरह से फूल गया है। ये देखिए ये हमारा गोलगप्पा बन गया है। देखिए हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इसी तरह से आप सारे गोलगप्पों को फ्राई कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा गोलगप्पा बना है। ये हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी है। ये देखिए ये कितने अच्छे से बने हैं,
आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।